बर्मा क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और इस बगल वाला बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव। आरआरबी, ये बुक आप लोगों ने जो परचेज किया हुआ है, ये मैं यहां से दिखा रहा हूं। रेलवे तर्क शक्ति परीक्षण रीजनिंग प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, इसके जितने भी टोटल क्वेश्चन होंगे सेट बाय सेट में करवाने जा रहा हूं, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करके देखें। इसमें मैं टोटल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्टेज बाय स्टेज, एग्जाम बाय एग्जाम टोटल का मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। रुक्मिणी प्रकाशन, ठीक है, रीजनिंग सॉल्व पेपर वॉल्यूम वन, मैं ये लिख भी दिया हूं, बाय गौरव गिरिराज। ओके, तो ये जो मैं पहला जो सेट में करवाने वाला हूं, जो आपके बुक में पहला सेट है आपका, ये रहा आपके पहला सेट, आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इस पहले सेट का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जो कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज वन 28/3/2016 को जो एग्जाम हुए हैं, शिफ्ट वन में जो एग्जाम हुए हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 23 का सॉल्यूशन हम लोग चलिए जरा देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 की तरफ चलते हैं। तो 1 से 3 में कह रहा है, आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से फ्रेंड्स दिए गए हैं। यहां पे है अमर, यहां पे है बाबू, यहां पे है सेरा और यहां पे है दिया। ए से अमर, बी से बाबू, एस से सेरा और डी से दिया। फिर उसके बाद यहां पे कुछ आंसर्स उसके दिए हुए हैं, 2, 1, 1, 3, फिर दिया हुआ है 4, 3, 2, 4, फिर उसके बाद दिया हुआ है 3, 4, 3, 1 और फिर दिया हुआ है 3, 2, 2, 4। क्लियर? तो क्वेश्चंस के ऊपर में पढ़ रहा हूं मैं, कह रहा है कि अमर, बाबू, सेरा और दिया से कहा गया कि वे 4 बहुविकल्प वाले प्रश्न पत्र को हल करें, जिसमें विकल्प 1, 2, 3 और 4 उनकी ओर से जो उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है उसे यहां बताया गया है। तो ये जो है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का अमर ने आंसर किया, क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 4, 3 और 3। फिर बाबू ने इन चारों क्वेश्चंस का आंसर 1, 3, 4, 2 किया है, सेरा ने ये सारा आंसर किया है और दिया ने ये सारा आंसर किया है। दिस क्वेश्चंस बिलोंग्स टू पजल, पजल को चैप्टर से क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन नीचे दिए गए हैं आपको कि बाबू के सभी उत्तर गलत थे। तो बाबू के जितने भी उत्तर थे ये सारे के सारे गलत थे। कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नहीं हो सकता और क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा, बाबू के सभी उत्तर गलत थे। अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत थे। अब अमर का जो पहले का जो 2 जवाब है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन दोनों जवाब गलत थे। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 और 1 नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 4 और 3 नहीं हो सकता। जब भी होगा 1 या तो 3 होगा, 2 का आंसर या तो 2 होगा या तो 4 होगा। उसके बाद और भी दिया हुआ है, दिया के 2 उत्तर सही थे। अब दिया का 2 उत्तर सही है, अब 2 उत्तर क्या सही हो सकता है? तो 4 नंबर तो नहीं हो सकता सही, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का 4 नंबर ऑप्शन गलत बताया जा रहा है। क्लियर? उसके बाद दिया का या तो 3, 1, 4 में से कोई 2 आंसर दिया का सही है, लेकिन दिया का भी इन तीनों में से कोई एक आंसर गलत दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। क्लियर? आगे का लाइन क्या कह रहा है, लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। अब उसका चौथा आंसर जो था वो निश्चित रूप से गलत था। तो फ्रेंड्स, इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है दिया के 2 उत्तर सही थे, दिया ने जो चारों आंसर किया है, पहले का 3, दूसरे का 4, तीसरे का 1 और चौथे का 4, इसमें से 2 निश्चित रूप से सही है। फिर उसके बाद कह रहा है लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। तो उसने जो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर किया है वो बिल्कुल गलत था। तो अब आपको पता है कि दूसरा का आंसर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि कट हो चुका था पहले ही, तो 4 नहीं हो सकता। मतलब कि ये दोनों आंसर तो सही है, मतलब कि हम लोगों को 2 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर मिल गया 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर मिल गया 1। अब किसका पता करना है, 2 का और 4 का पता करना है, ठीक है? तो अब 2 का भी, अब उसके बाद लास्ट में क्या कह रहा है, अमर व सेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमर का केवल एक ही उत्तर सही है और सेरा का भी केवल एक ही उत्तर सही है। तो एक बात बताओ आप, 4, 3 कट ही हो गया, 4 कट ही हो गया, तो सेरा का जो है सो केवल क्या बताया जा रहा है, तो यहां पे एक बात बताओ आप, 4, 3 ये कट ही हो गया, 4, 3 तो कट ही हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये
और यहां पे चार तो कट गया। अभी इन दोनों का, अमर का और सेरा का, एक उत्तर सही है, दोनों का एक उत्तर सही है। आगे का लाइन कह रहा है तो अब आप बताओ यहां पे कि क्वेश्चन नंबर दो का आंसर तो दो हो गया कि नहीं हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या होगा, जब आपको पता चल चुका है तो इसका जो है सो केवल एक ही आंसर सही है, तो ये तीनों तो गलत होगा ना, क्योंकि क्या कह रहा है कि अमर और सेरा का एक ही उत्तर सही है। जब चार तीन चार कट हो गया तो दो ही आंसर सही होगा कि नहीं होगा, तो इसका अमर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसका भी एक ही, तीन गलत हो गया तो तीन नंबर हो सकता है, कभी भी नहीं, आंसर क्या हो गया तीन। मतलब हम लोगों को चारों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका क्वेश्चन नंबर चार का उत्तर सही है, तो क्वेश्चन नंबर चार का उत्तर किसका सही है, तो पहले का आंसर हो गया अमर का सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, सेरा का कौन सा उत्तर, कौन सा प्रश्न सही है, सेरा का कौन सा प्रश्न सही है, तो क्वेश्चन नंबर दो, तो बी नंबर ऑप्शन हो गया कि क्वेश्चन नंबर दो सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दिया के कौन से दो उत्तर सही है, तो दिया का कौन कौन सा उत्तर सही है, क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन नंबर तीन बिल्कुल सही है। तो वन से तीन का सॉल्यूशन फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा। उसके बाद आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1827, 36, 125 और 216, तो कह रहा है इनमें से अनोखा कौन है उसे मालूम करें। तो आपको पता है कि ये वन का क्यूब है, ये टू का क्यूब है, ये थ्री का क्यूब है, ये भी पांच का क्यूब है और ये भी छह का क्यूब है। यहां पे तो चार का क्यूब 64 होना चाहिए, मतलब अनोखा नंबर कौन सा है, 36 अनोखा नंबर है। यानी कि आपका आंसर क्या हो गया चार का, चार का आपका आंसर हो गया सी। क्लियर। पांचवे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए राजीव कह रहा है, क्या कह रहा है कि यह मेरी बहन के भाई का, यह कौन है, तो मेरी बहन के भाई, मेरी वर्ड किसके लिए यूज होगा, राजीव के लिए। मान लीजिए कि यह रहा राजीव, क्या कह रहा है कि राजीव की बहन के भाई, अब राजीव की बहन का भाई राजीव भी होगा या उसका भाई भी होगा, तो यह मेरी बहन के भाई के पिता की एकमात्र पुत्री है, यह कौन है, तो मेरी बहन के भाई के पिता कि एकमात्र पुत्री है। मतलब ये लड़की तो ये खुद है, लड़की ये खुद है। तो क्वेश्चन पूछा यदि ऐसा है तो लड़की का राजीव से क्या संबंध है, तो लड़की का राजीव से क्या संबंध है, तो बहन। क्वेश्चन को एक बार और समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहां पे कन्वर्सेशन हो रहा है तो मेरी वर्ड किसके लिए यूज होगा, जो कह रहा है। तो एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए राजीव कहता है, क्या कहता है कि मेरी बहन का भाई, मान लीजिए राजीव है, तो राजीव की बहन का भाई राजीव भी हो सकता है या कोई भाई हो सकता है, फिर उसके पिता, तो उसके पिता तो राजीव के पिता की एकमात्र पुत्री है वह लड़की, तो लड़की राजीव की क्या हो जाएगी, बहन, आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो फाइव नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब छह से आठ के लिए, छह से आठ नंबर क्वेश्चन स्लाइड पे वहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर छह से आठ क्या दिया हुआ है, आप लोग के पास होगा। तो क्वेश्चन नंबर छह से आठ के लिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि रूही और आपकी ओर चेहरा किए हुए पांच लड़कियां आपके सामने बैठी है। तो आपकी ओर चेहरा किए हुए मतलब क्या, नीचे की तरफ चेहरा किए हुए पांच लड़कियां बैठी हुई है। तो जब किसी पर्सन का फेस अगर नीचे की तरफ हो तो बाएं दाएं उल्टा होता है, बाएं उधर होगा और दाएं इधर होगा। तो सिटिंग एजमेंट का ये क्वेश्चन है। सिटिंग एजमेंट में क्या होता है कि कन्फर्म लैंग्वेज जो होता है उसको पकड़ के क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। तो कन्फर्म लैंग्वेज क्या होता है, बाएं दाएं का लैंग्वेज कन्फर्म माना जाता है। ओके, तो बाएं दाएं का लैंग्वेज कन्फर्म माना जाता है। तो पहला कह रहा है कि रूही और मनीला क्रमशः ऊर्जा के दाएं एवं बाएं बैठी है। तो रूही और मनीला किसके, तो ऊर्जा के। मान लीजिए कि ये रही ऊर्जा, अब रूही और मनीला कहां बैठी है, तो रूही ऊर्जा के दाई ओर, तो ऊर्जा के दाई ओर रूही ये हो जाएगी, क्योंकि दाएं तो उल्टा होगा। रूही और मनीला क्रमशः ऊर्जा के दाएं और बाएं, तो बाएं में कौन हो जाएगी, मनीला बैठ गई। तो रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी हुई है। फिर कह रहे हैं कि मनाली व तानिया के बीच ध्वनि बैठी हुई है। तो मनाली और तानिया के बीच में कौन बैठी हुई है, ध्वनि बैठी हुई है। बस बन गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पहला लाइन पांचों आदमी फेस किए हुए हैं,
तब ऊर्जा के दाई ओर रूही और ऊर्जा के बाई ओर मनीला, फिर कह रहा है कि मनीला और तानिया के बीच में कौन बैठी हुई है, ध्वनि। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तानिया के दाएं कौन बैठी हुई है, तो तानिया के दाएं कौन बैठी हुई है, पहले क्वेश्चन का आंसर ध्वनि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। छह नंबर क्वेश्चन का। सात नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पंक्ति के बीच में कौन बैठी हुई है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठी हुई है, मनाली। पंक्ति के बीच में मनाली बैठी हुई है, इसका भी आंसर सी। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं, तो ध्वनि और रूही के बीच में कितनी लड़कियां हैं, तो दो लड़कियां हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो छह से आठ भी फ्रेंड्स आप लोग समझ गए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन की अगर बात करें हम, तो नाइन में कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते के साथ बन जाएगा, डबल सी आई टी आर के ई। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि उलझे हुए, ये जो ये सारा जो लेटर्स दिख रहा है ये तो उलझा हुआ है, तो कह रहा है कि उलझे हुए अक्षरों को सुलझाएं जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्द का पांचवां अक्षर बताएं। तो ये जो लेटर्स अभी एक, ये क्या अर्थपूर्ण शब्द दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो कह रहा है इसको अरेंज करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और फिर बताइए कि उसका पांचवां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग गेम के तो बहुत पसंदीदा आदमी है, हम लोग क्या होता है कि हर जगह इंडिया जो होता है गेम को, हर टाइप के गेम को प्रायोरिटी देता है कि नहीं। तो जैसे ही मैं गेम की बात कर रहा हूं तो आप लोग के माइंड में जरूर कुछ चल रहा होगा, अगर मैं किसी गेम की स्पोर्ट्स की बात करें, कुछ माइंड में चल रहा है आप लोगों के, जरूर आप लोगों ने सोच रहा होगा क्रिकेट बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो बिल्कुल सही, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट वर्ड बनेगा। तो इसका जो पांचवा लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, तो के, आपका आंसर क्या हो जाएगा, के आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो नाइन नंबर का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर फ्रेंड्स, नाइन नंबर। टेन नंबर में कह रहा है, टेन नंबर में कह रहा है कि फोर फोर फाइव सिक्स, फोर फोर सिक्स फाइव, फिर दे रहा है फोर सिक्स डबल फाइव, उसके बाद कह रहा है फोर डबल सिक्स फाइव, फिर कह रहा है फोर फाइव सिक्स फाइव। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या होगी, घटते क्रम में बीच में मतलब कि तीसरा, घटते क्रम में बीच में मतलब कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, वो कौन सा होगा, क्योंकि पांच नंबर से एक दो तीन चार पांच। तो इसको फ्रेंड्स कभी भी पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्लियर, हमको तीसरा पता करना है। तो फर्स्ट का दो लेटर आपको बता देगा कि तीसरा कौन सा होगा। तो आपको पता है कि ये दोनों तो सबसे छोटा होगा, क्योंकि चौवालीस सौ चौवालीस सौ है, फिर दो है छियालीस सौ छियालीस सौ, और फिर बीच में पैंतालीस सौ, तो बीच में कौन सा हो जाएगा, पैंतालीस सौ पैंसठ, क्योंकि ये दोनों तो पहले आ जाएगा, सॉरी ये दोनों तो पहले आ जाएगा, ये दोनों लास्ट में चला जाएगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, पैंतालीस सौ पैंसठ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर हम पूरा अरेंज करें तो हमारा टाइम बर्बाद चला जाएगा, ठीक है। इलेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इलेवन नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मोहन रोहन से लंबा है। अब मोहन क्या है, एम से मोहन हो गया, जो रोहन से लंबा है, मोहन रोहन से लंबा है वो फरहान से ठिकना है, मोहन रोहन से तो लंबा है लेकिन फरहान से छोटा है। फिर कह रहा है कि मोहन से, फिर कह रहा है कि कानन मोहन से ठिकना है लेकिन वह रोहन से लंबा है, मतलब आप कानन की बात कर रहे हैं कि कानन जो है मोहन से ठिकना है लेकिन रोहन से लंबा है, मतलब कि बीच में क्या आ जाएगा, कानन। अब कानन जो है सो क्या है, तो मोहन से ठिकना लेकिन रोहन से लंबा है, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। अब शंकर क्या है, तो रोहन से भी लंबा है और फरहान से भी लंबा है, तो खैर फरहान से जो भी लंबा होगा तो यहां पे हो जाएगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, शंकर जो फरहान से भी लंबा है और रोहन से भी लंबा है। तो क्वेश्चंस में पूछ रहा है इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हो गया शंकर, सबसे लंबा कौन हो गया, शंकर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। इलेवन सॉल्व हो गया, चलिए अब ट्वेल्व पे बढ़ते हैं।
तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे दर्शाया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गायब संख्या को चुने। सीरीज का क्वेश्चन है, बीच का टर्न पूछ रहा है, 6, 12, 20, 30, 6, 12, 20, 30, फिर पूछ रहा है कि यहां पे क्या होगा अगर यहां पे 56 और 72 हो, तो हम इससे डिफरेंस निकालेंगे। यहां पे कितने का डिफरेंस है, 6 का, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30। तो अब दोस्त 12 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 6, फिर 8, फिर 10, तो अब 12 होगा, तो 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 42। फिर देखते हैं 42 प्लस 14, 56 हो गया, और 56 प्लस 16, 72 भी हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या चला गया, 42। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा आपका आंसर। 12 भी क्लियर हो चुका है, अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 कह रहा है यदि ए बी का पुत्र है, यदि ए जो है वो बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र मतलब बी से एक जनरेशन नीचे, तो यदि ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है। अब ए जो है सो बी का पुत्र है, तथा कौन है ये, तो सी का पिता है, और ये कौन है, तो सी का पिता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ए बी का पुत्र है तथा यह कौन है, तो सी का पिता है। तो तथा जो यूज होता है किसके लिए, दूर वाले के लिए यूज होता है, क्लियर, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो क्या कह रहा है, ए बी का पुत्र है तथा वह सी का पिता है, तो सी का बी से क्या संबंध है, तो बताइए कि सी का बी से क्या संबंध है, तो सी बी का कौन होगा, बेटे का, या तो बेटा या तो बेटी, यानी कि आंसर चला जाएगा पोता या तो पोती, पोता या पोती, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, आपका आंसर चला गया 13 का। ओके फ्रेंड्स, 13 भी क्लियर हो चुका है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि अमेरिका को लिखा जा रहा है 173, 4651, फिर इंडिया को लिखा जा रहा है 68961, तो पूछ रहे कनाडा को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा बहुत ही तेज बनता है। यहां पे आपको दो वर्ड का कोड दिया जाएगा कि इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा, पूछ रहा है ना आपको। अगर ये सारा लेटर अगर यहीं से कलेक्ट किया हुआ है तो आंसर करने में आसानी होगी। तो सी ए का कोड क्या होगा, तो सी का कोड 5 और A का कोड 1, तो हम लोग लिख लेंगे 5-1, क्योंकि सी अगर यहां से लास्ट से दूसरा है तो लास्ट से दूसरा कोड क्या 5, तो सी ए मिल गया। अब एन का कोड क्या हो जाएगा, 6, फिर A का कोड 1, फिर A का कोड 1, डी का कोड देख लेंगे, तो डी बीच का लेटर है, तो बीच में क्या है, 9, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5, 1, 6, 1, 9, 1 किस ऑप्शन में है, कनाडा, तो 5, 1, 6, 1, 9, 1 ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेज है, ठीक है ना, तो वहां पे 8 के जगह पे आप लोग 6 कर लेंगे, ठीक है। एन का कोड क्या दिया हुआ, फिर सॉरी एन का कोड जो होगा, एन दूसरा है तो दूसरा क्या है, 8, तो 5, 1, 8, 1, 9, 1 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 14 तक। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको एक प्रश्न और दो कथन दिए गए हैं, यह बताएं कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न है कि नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नयन के पास कितने हैं, टोटल 4 टोपी है, कितने, तो 3 अलग अलग कलर के। तो नयन के पास 4 टोपी है, वो भी 3 अलग अलग कलर के है, नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की 4 टोपी, उसके पास कितनी नीली टोपी है। तो ये आपका डाटा सफिशियंसी, जो नया चैप्टर आपको ये रेलवे में ऐड हुआ है, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है कि कौन आंसर कर सकता है, क्या एक अकेला आंसर कर सकता है, क्या दो अकेला आंसर कर सकता है, या क्या दोनों मिलकर के, या दोनों मिलकर के भी नहीं। तो पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि नयन के पास दो सफेद टोपी है। तो क्वेश्चन पहला लाइन क्या कह रहा था कि नयन के पास 4 टोपी है, नयन के पास क्या है, 3 अलग रंगों के 4 टोपी है, तो उसके पास कितनी नीली टोपी है। तो एक बात बताओ आप, अब 4 टोपी है जिसमें से कि 2 सफेद हो गया, तो एक नीली टोपी होगी या नहीं होगी,
क्योंकि चार ही टोपी है और तीन कलर का, तो दो ये हो गया। तो चार टोपी को तीन में बागर बांटेंगे तो क्या होगा, दो एक एक ही हो सकता है ना। तो वो उसने बता दिया कि दो सफेद टोपी है, तो पता चल गया कि एक नीली होगी और एक कोई और कलर की होगी। तो वो पूछा था नीली टोपी कितनी होगी, तो पहले से आंसर आ गया कि नीली टोपी उसके पास कितने हैं, एक एक नीली टोपी होगी और एक कोई और कलर की टोपी होगी, क्योंकि टोटल तो चार ही है। तो पहला इंफॉर्मेशन बिल्कुल आंसर कर रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है आपसे, तो दूसरा इंफॉर्मेशन कह रहा है कि उसके पास नीली टोपियों की संख्या, ठीक है, बेज टोपियों के समान है। मतलब कि उसके पास जो बेज नहीं वहां सफेद होगा, उसके पास नीली टोपियों की संख्या के समान है। तो समान का मतलब क्या, समान तो यही ना है, चार टोपी तीन अलग अलग कलर, तो आप दो एक एक ही कर सकते हैं। तो दूसरे से भी आंसर कर बता दिया कि नीला इज इक्वल टू क्या है, सफेद, नीला इज इक्वल टू सफेद। तो दूसरे से भी आंसर आ गया। तो हम आंसर क्या करेंगे, कथन एक और दो दोनों पर्याप्त है, मतलब पहला भी पर्याप्त है आंसर देने को और दूसरा भी पर्याप्त है आंसर देने को। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, तो सी नंबर, सी में ही दिया हुआ है ना वो ऑप्शन, सॉरी बी में दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, तो बी चला जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, 15 नंबर अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर। उसने बता दिया कि तीन अलग अलग कलर के चार टोपी, तो तीन कलर का टोपी है, मान लीजिए कि तीन कलर का टोपी है, एक कलर ये हो गया, एक कलर ये हो गया, एक कलर ये हो गया। अब तीन ही कलर का टोपी है लेकिन चार है, तो दो एक एक हो सकता है, या एक एक दो हो सकता है, या एक दो एक हो सकता है, यही हो सकता है ना। अब जैसे ही वो बता दिया कि नयन के पास दो सफेद है, अब नयन के पास दो सफेद है का मतलब एक नीली और एक कोई और कलर की होगी, तो वो नीली पूछ रहा था तो पता तो चल गया। दूसरा कह रहा है कि नयन के पास जो है जितना नीला है उतना ही सफेद है, तो नीला और सफेद मतलब एक एक ही होगा, एक और दो तो बराबर हो नहीं सकते हैं, मतलब कि दोनों से आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 भी क्लियर। 16 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 नंबर में कह रहा है कि कौ को क्या लिखा जा रहा है, 41, कुछ नहीं किया है, 3 प्लस 15 प्लस 23 कर दिया है, इक्वल टू 41 आ गया। फिर उसी तरह से गोट को भी क्या कर दिया ये चीज, तो हम लोग भी आंसर करने में क्या करेंगे, डॉग का वैल्यू पूछ रहा है तो 4 प्लस 15 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू 26 हो जाएगी, आंसर डी। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। चलिए, जूलिया ने किधर, उत्तर दिशा मतलब ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर दाएं मुड़ी, यहां से वो बाएं मुड़ गई और वो फिर दाएं मुड़ गई। जूलिया ने उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया, फिर बाएं मुड़ी और फिर दाएं मुड़ी। उसके बाद क्या कह रहा है, वह बाद में पुनः दाएं मुड़ गई तो अब उसका चेहरा किस दिशा में हो गई। यहां से वो क्या कर दिया, तो पुनः वो क्या कर देती है, तो बाएं मुड़ जाती है, बाद में पुनः वह दाएं मुड़ जाती है। जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई, फिर वह दाएं मुड़ गई, बाद में पुनः वह दाएं मुड़ गई। तो दाएं का मतलब क्या हो जाएगा ये, तो पहले नॉर्थ में, फिर बाएं, फिर उसके बाद जूलिया ने नॉर्थ की दिशा में चला, पहले बाएं मुड़ा, फिर एक बार और कह रहा है कि यहां से वो क्या करती है, तो दाहिने मुड़ती है। जूलिया ने चलना कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई, फिर वह दाएं मुड़ गई, और फिर यहां से क्या करती है, तो यहां से फिर वो दाहिनी ओर मुड़ती है। तब उसका मुख किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। बहुत आसान क्वेश्चन था। जूलिया क्या करती है, उत्तर दिशा में चली, कुछ दूरी चलने के बाद वो बाएं मुड़ जाती है, फिर यहां से वो दाएं मुड़ जाती है, और फिर दाएं मुड़ जाती है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा, तो पूर्व दिशा में होगा। आपका आंसर ए हो गया। क्लियर, तो 17 नंबर भी सॉल्व हो गया। अब 18 से 20 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 से 20 की अगर बात करें हम, तो 18 से 20 में कह रहा है निम्नलिखित जानकारियों को पढ़ें और नीचे दिए गए सवालों को, यहां पे आपको क्वेश्चंस का स्लाइड दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है कि 40 छात्रों की कक्षा में टोटल कितने हैं, कुल कितने छात्र हैं, तो कुल 40 छात्र हैं, जिसमें से 28 तमिल बोल सकते हैं, तमिल बोलने वाले कितने हैं, 28। फिर कह रहा है कि और 30 तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु बोलने वाले कितने हैं, 30 तेलुगु बोलने वाले हैं, यही ना। तो सभी छात्र दो भाषाओं में कम से कम किसी एक भाषा को बोल सकते हैं, मतलब कि इस कुल 40 छात्रों में से कुछ ऐसे छात्र होंगे जो सिर्फ तमिल बोल सकते हैं, कुछ ऐसे छात्र होंगे जो सिर्फ तेलुगु बोल सकते हैं, कुछ छात्र ऐसे होंगे जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, और वो बिल्कुल पता चल रहा है क्योंकि दोनों को जोड़ रहे हैं तो टोटल से ज्यादा हो गया,
मतलब कि कुछ ऐसे छात्र होंगे जो दोनों दोनों लैंग्वेज बोल रहे होंगे। तो पहले बताइए कि दोनों भाषा बोलने वाले कितने होंगे, दोनों भाषा वाले कितने होंगे, दोनों भाषा बोलने वाले कितने होंगे, तो 30 + 28 - 40 यानी कि 18 जो है सो दोनों छात्र। अगर हम बोले ये मान लीजिए कि तमिल हो गया और ये तेलुगु हो गया, तो दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं, 18। अब बताइए कि तमिल बोलने वाले 28 में से ये 18 तो ये कितना, 10। तेलुगु टोटल 30 है, 30 में से ये अगर 18 हो गया तो इधर कितना हो गया, 12 हो गया, बन गया टोटल देखिए 40 भी हो गया। अब तमिल बोलने वाले 18 + 10 = 28 हो गया और तेलुगु बोलने वाले 18 + 12 = 23 भी हो गया। क्लियर फ्रेंड्स, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 18, 19, 20 में, 18 में कि छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं, तो केवल तेलुगु बोलने वाले कितने हैं, तो 12। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या चला गया, 12 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि छात्रों की वह न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं, तो तमिल और तेलुगु दोनों बोलने वाले कितने हैं, 18, यानी कि इसका भी आंसर सी। 20 नंबर की चलिए बात करते हैं, तो 20 नंबर में कह रहा है कि छात्रों की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं, तो केवल तमिल वाले कितने, 10, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर फ्रेंड्स, ये 18 से 20 भी क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। 21 नंबर में कह रहा है कि इनमें से अनोखा है जो पहचाने, तो 28 लें, 44 लें, 68 लें, 80 और 92। तो कह रहा है कि इसमें से अनोखा नंबर कौन सा होगा, तो 28 + 16 = 44 होता है। फिर उसके बाद 44 में कितना जोड़ें कि ये हो जाएगा, तो 24। फिर बताइए कि यहां पे अगर +24 के बाद +36 भी करते हैं, मतलब अनोखा नंबर क्या है, 80। अगर हम फिर 16 करते हैं और फिर +24 करते हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अनोखा नंबर क्या है, इसमें 80 जो है वो बिल्कुल अनोखा नंबर है, 80, ठीक है। बाईस नंबर में क्या कह रहा है, 22 नंबर में वक्तव्य 1 व 2 को पढ़ें और निष्कर्ष 3 और 4 भी पढ़ें जिन्हें वक्तत्व में विकृत किया गया। तो पहला वक्तव्य कह रहा है कि कुछ पक्षी गधे हैं, ये रहा पक्षी, कुछ पक्षी क्या हैं, तो गधे हैं। फिर कह रहा है सभी गधे बेवकूफ हैं, सभी गधे बेवकूफ हैं, तो कुछ पक्षी गधे हैं और सभी गधे बेवकूफ हैं। इस पे पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी पक्षी बेवकूफ हैं, तो सभी पक्षी बेवकूफ है, थोड़ा सा ही ना पक्षी बेवकूफ है, मतलब कि पहला जो है वो यानी कि तीसरा नंबर जो है वो क्या कह रहा है, तो गलत कह रहा है। चौथा नंबर निष्कर्ष क्या कह रहे हैं कि कुछ पक्षी बेवकूफ है, हाँ ये सही होगा कि कुछ पक्षी बेवकूफ है, तो हम आंसर क्या करेंगे, बी नंबर कि केवल 4 सही है। 21 नंबर भी सॉल्व। 22 नंबर की अगर बात करो आप, सॉरी ये तो मैंने 22 ही बताया, 23 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का 28/3/2016 शिफ्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन 23 में कह रहे हैं 5 विद्यार्थी प्रियंका मैरी सुनील आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। अब पांचों क्या है, तो एक कतार में खड़े हैं, सिटिंग एजेंट का क्वेश्चन है। पहला लाइन कह रहा है प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ी है, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है, सुनील व मैरी के बीच में रियान खड़ा है, कतार में सबसे प्रथम कौन है। तो पहला लाइन क्या कह रहा है कि प्रियंका सुनील और प्रियंका जो है सुनील और आशा से आगे खड़ा है, प्रियंका कहां पे, सुनील और आशा से आगे खड़ा है, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है। मान लीजिए कि ये रहा रियान और ये रहा, ये रही आशा, तो रियान और आशा के बीच में क्या दिया हुआ है, रियान और आशा के बीच में सुनील खड़ा है, ये भी हो सकता है, या रियान इधर भी हो सकता है और आशा इधर भी हो सकते है। तो क्या कह रहा है, रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा है, सुनील व मैरी के बीच में, सुनील और मैरी के बीच में कौन खड़ा है, सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है, सुनील और मैरी के बीच में रियान खड़ा है कतार में सबसे। और एक लाइन क्या था कि प्रियंका सुनील और आशा से आगे खड़ी है, अब प्रियंका कहां पे है, तो सुनील और आशा से आगे खड़ी है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, आपकी प्रियंका हो जाएगी, क्योंकि प्रियंका जो है सो कहां पे है, आशा और सुनील से आगे खड़ी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कतार में सबसे प्रथम कौन खड़ा है, सबसे प्रथम कौन खड़ा है, प्रियंका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्लियर फ्रेंड्स, मे बी आपको ये सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, मैं गौरव गिरिराज आपको फिर से मैं दूसरे वीडियो में मैं लाइव दिखूंगा। जस्ट ये आपका स्टेज वन RRB NTPC स्टेज वन का 28/3/2016 शिफ्ट वन का मैंने सॉल्यूशन करवाया। इसके बाद मैं शिफ्ट टू का वीडियो लेकर के मैं बहुत जल्द आपके सामने मैं हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए फिर, थैंक यू, बाय सभी को।